हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा आरके में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही हेल्पफुल जानकारी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप घर बैठे ही अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। इस बार का जो नई लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक करके आप पूरी डिटेल देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है iay.nic। उसके बाद आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा COVID-19 का पॉपअप दिखेगा, इसको आप कट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा है आवास सॉफ्ट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है बेनिफिशरी डिटेल और वेरिफिकेशन, इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सारे डिटेल डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, आपका जौन सा भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ब्लॉक डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ग्राम पंचायत आता होगा, आप यहाँ पे ग्राम पंचायत चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर चूज करना है, यहाँ पे हम 2021-22 चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अगर आपको इसको फिल करने में अगर परेशानी हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप इसको यहाँ पे री पे क्लिक करेंगे, ये दूसरा आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको परेशानी हो रही हो तो फिर से क्लिक कीजिएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस आता है तो आप दोनों को प्लस कीजिएगा, और अगर माइनस आता है तो माइनस कीजिएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे 9 और 30 आया है, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 39 और सबमिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लिस्ट खुल के आ चुका है। इसको आप यहाँ पे एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आ चुका है। सबसे पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पे बेनिफिशरी डिटेल है, स्कीम है, सारा चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब नाम यहाँ पे आप सर्च कर ले सकते हैं, नाम यहाँ पे आप देख लीजिए, नाम भी है, उसके बाद पिता नेम है। तो आप इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।